गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो नाउ आज पढ़ते हैं हम क्लास वन जनरल इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल, मोर एंड मोर देन वन। चलो हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में रीड एंड लर्न वाली। ओके, तो वी से अ बनाना। ओके, फॉर वन बनाना के लिए, एक बनाना है तो उसके लिए हम अ बनाना यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। Now for one orange we say an orange. Okay, understand it. Now एक हो, एक चीज़ हो उसके लिए हम वन कहते हैं। ओके, अ बनाना एंड एन ऑरेंज। अ बॉय इज अ वन बॉय। अ बॉय इज अ वन बॉय। अ गर्ल इज अ वन गर्ल। यहाँ पर देखो, अ बॉय इज अ वन गर्ल। अ बॉय हम किसके लिए यूज़ करेंगे, एक लड़का हो तो उसके लिए अ बॉय, फिर एक गर्ल लड़की हो उसके लिए अ गर्ल। द वर्ड्स विच से अबाउट द सिंगल पर्सन और थिंग्स आर द वर्ड इज सिंगुलर फॉर्म। अभी कोई भी एक द वर्ड विच से अबाउट, कोई भी एक वर्ड है जो हमें सिंगुलर एक चीज़ के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में बताता है तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। द वर्ड विच से अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स आर वर्ड इन प्लूरल फॉर्म। अभी हम मोर देन मतलब कि एक से ज़्यादा हो उसके लिए हम जो वर्ड जो वर्ड हमें मोर देन पर्सन एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे हम प्लूरल फॉर्म कहेंगे। वी डोंट यूज़ ए एंड एन बिफोर द वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म के पहले हम ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नाउ द वर्ड बॉय इज़ अ सिंगुलर। द वर्ड बॉयज इज़ इट इज़ प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू प्लूरल फॉर्म। अभी यहाँ पर कुछ वर्ड है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो। हमने रीड एंड लर्न फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ए एक चीज़ों के लिए। ओके, एक चीज़ों के आगे ए, ए तो ये सिंगुलर फॉर्म है। ओके, एन ईयर, ए पेंसिल, अ बनाना, एन एप्पल, एन आई। ओके, तो ये सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। ओके, और उसकी एक से ज़्यादा चीज़ों हो, चीज़ हो जैसे कि टू शूज़ है, टू सॉक्स है, टू लेग्स है, ओके, टू आईज है, फोर एप्पल है, ओके, बनानाज थ्री है, पेंसिल थ्री है, ओके, ईयर्स भी दो है, दो कान है, ओके, तो ये सारी ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें, तो इसे हम प्लूरल फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल। तो आपको ये कोष्टक सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के आगे ए नहीं लगता। ओके, डू नॉट राइट ए एंड एन बिफोर द वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू प्लूरल। सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ओके, सिंगुलर में वन है अ शूज, अ सॉक्स, अ लेग। प्लूरल फॉर्म में है शूज, सॉक्स एंड लेग। शूज सॉक्स, सॉरी शूज शूज, देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है। ओके, सॉक्स, अ सॉक्स, तो सॉक्स, यहाँ पर ए नहीं लिखा, ये प्लूरल फॉर्म है। ओके, मतलब कि एक से ज़्यादा। अ लेग, तो लेग्स। ओके, फिर नेक्स्ट सिंगुलर है एन आई। ओके, और आईज, एन ईयर, ईयर्स, अ बनाना, बनानास। ओके, यहाँ पर एस लगा हुआ है, देखो ये डार्क किया हुआ है ना, और यहाँ पर ए एन कुछ भी नहीं है। सिंगुलर में ए एंड लगता है और प्लूरल में एस लास्ट में, सिंगुलर को लास्ट में एस लगा देने से प्लूरल फॉर्म बनती है। समझ में आया? चलो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ए एन एन। ओके, ये ए कब होता है, कब लिखते हैं हम, और एन कब लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था ए ई I O U, ओके, ये सारे फाइव वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हो
ओके, जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे एन लगता है, ओके, उनके आगे हमें एन लगाना है, ओके, लाइक ऑरेंज, देखो ई वाई आई, तो ई से स्टार्ट हो रहा है ये, तो एन, ईयर ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन, ओके। नाउ यहाँ पर देखो और वर्ड है अम्ब्रेला, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो एन, ओके। फिर यहाँ पर ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, वॉवल्स हैं तो एन, ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। नाउ ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, इतना याद रखना है, ओके। नाउ से एंड राइट दिस वर्ड, चलो एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, डी ई एन डैन, टी ई एन टेन, एल ई जी लेग, पी ई जी पैग, बी ई डी बेड, डब्ल्यू ई बी वेव, एन ई टी नेट, पी ई टी पैड, एस ई टी सेट, डब्ल्यू ई टी वेट, ओके। नाउ नेक्स्ट सिंगुलर एंड प्लुरल टू, ओके, सिंगुलर प्लस प्लुरल इज इक्वल टू, सॉरी सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू प्लुरल, ओके, सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म टू, ओके। हमने अभी देखा सिंगुलर एंड प्लुरल उसके ही ज़्यादा वर्ड हैं, ओके। देखो ऐसे सिंगुलर हैं जिस वर्ड हैं जिनके पीछे एस लगाने से प्लुरल फॉर्म बन जाती है, ओके, इजीली बन जाता है, ओके। फिर ऐसे वर्ड हैं सिंगुलर वर्ड जिसके पीछे ई एस लगाने से, ई एस ऐड करने से प्लुरल फॉर्म बनती है, ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ये आपको दोनों समझना है। तो कौन से ऐसे वर्ड हैं देखेंगे हम अभी, यहाँ पर अ टॉप, ओके, टू टॉप्स, ओके। नाउ टॉप्स टॉप है, ओके, तो एस लगाने से टॉप्स, अ बॉय बॉयज, अ गर्ल गर्ल्स। अभी बच्चों आपको रूल्स में बहुत ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, अभी आपको ओनली फॉर अंडरस्टैंड करना है, ये सारे वर्ड लर्न कर देना है। गर्ल्स गर्ल्स, ओके, कैमल, तो कैमल्स एस लगा देने से काउ काउस, अ काउ काउस, ओके। यहाँ पर ए एन नहीं है, देखो यहाँ पर अ बुक बुक्स, अ ट्रेन ट्रेन्स, अ कार कार्स, ओके। फिर नेक्स्ट है अ बर्ड बर्ड्स, एन अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, ओके, एन एलिफेंट एलिफेंट्स, एन एप्पल एप्पल्स, अ प्लेट प्लेट्स, एन ऑरेंज ऑरेंजेस, अ हाउस हाउसेस, ओके, अ ट्री ट्रीज। चलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लस ई एस, अभी देखो आपको जो वर्ड, ऐसे तो एक रूल्स है, जो वर्ड के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओके, ओ हो, अंडरस्टैंड, तो ऐसे वर्डों के बाद में लास्ट में जो, देखो यहाँ पर बस, बस के लास्ट वर्ड कौन सा है एस, लोटस लोटस में लास्ट वर्ड कौन सा है एस, ग्लासेस ग्लासेस में डबल एस है, ओके, ड्रेस में डबल एस है, ओके, ब्रश में सी एच है, ओके, एस एच है, डिस में भी एस एच है, बसेस, तो यहाँ पर बेंच बेंच में सी एच है, ओके, वॉच में सी एच, ओके, बॉक्स बॉक्स में एक्स है, ओके, फॉक्स में भी एक्स है, लास्ट वर्ड लास्ट लेटर देखना है, ओके, मैंगो में ओ है, ऐसा एक रूल्स है, ओके। जब आप बड़े होंगे, ओके, सिंगुलर प्लुरल की फॉर्म आप और डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये रूल्स आएंगे, ओके, बट आपको अभी इतना ही याद रखना है, ओके। देखो इसमें कहीं पर भी है एस पी वाई एल लास्ट वर्ड, इसमें से कौन सा कोई है नहीं है ना, ओके, तो आपको ऐसे ही समझना है कि देखो जो वर्ड के लास्ट में
इसमें से कोई वर्ड हो तो हमें उसके लास्ट में ईएस लगा के उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, अंडरस्टैंड। तो आपको ये रीड करना है और आपके ये दोनों वर्क्स रीड करना है, आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना भी है। ओके बच्चों, नाउ देखो यहाँ पर अ बस बसेस, लोटस लोटसेस, ग्लास ग्लासेस, ड्रेस ड्रेसेस, ब्रश ब्रशेस, डिश डिशेस, बेंच अ बेंच बेंचेस, अ वॉच वॉचेस, अ बॉक्स बॉक्सेस, अ फॉक्स फॉक्सेस, अ मैंगो मैंगोज, अ पोटैटो पोटैटोज। ओके नाउ से एंड राइट दिस वर्ड। चलो आई एन इन क्या पढ़ेंगे इसे, इन पी आई एन पीन। आप ये सारे वर्ड पढ़ोगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पर टी आई एन टी आई एन टीन बी आई एन बीन के आई डी किड एन आई बी नी एफ आई जी फिग के आई एन जी किंग डब्ल्यू आई एन जी विंग आर आई एन जी रिंग एफ आई एस एच फिश डी आई एस एच डीज एल आई पी लीव एन एस एच आई पी सी। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, फिर हम देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म 3। अंडरस्टैंडिंग नाउ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।